हेलो गाई, दिस इज आशीष यादव एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ द रिसर्च डॉट कॉम। वेलकम टू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हम लोग कुछ लास्ट अपना ट्रेड के रिगार्डिंग, और यहाँ पे कुछ एक नया ट्रेड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग लास्ट ट्रेड जो हमारा था, देखते हैं जो लास्ट ट्रेड हमारा, आई थिंक लास्ट आई आई दिस वाज ITC। ओके, सो एक बार मैं अपना बुक ओपन करता हूँ। ओके, सो हमारा जो लास्ट ट्रेड था ITC, ये ट्रेड हमारा लास्ट था, ITC बुल कॉल स्प्रेड। और इसको हम लोगों ने जो बाय किया हुआ था, 210 का कॉल हम लोगों ने बाय किया हुआ था। करंट मार्केट प्राइस दैट इज आई थिंक 6.10, एंड हम लोगों ने जो सेल किया होता है लॉट एक 230 का, वो सेल किया होता 2.10 पे। टोटल नेट डेबिट था जो हमारा वो 4 रुपीज का था, और दैट इज मैक्सिमम लॉस विल बी 12,000 रुपीज। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इस ट्रेड में अभी अभी के मैं करंट पोजीशंस क्या है। एक बार मैं इसको जस्ट देखता हूँ। सो यहाँ पर जो ट्रेड है ITC का है, और ITC का जो ट्रेड एनालाइज ट्रेड, तो इसको देखेंगे। तो अभी के हिसाब से जो ट्रेड में प्रॉफिट है, आई थिंक 4,000 रुपीज का प्रॉफिट अभी ये दिख रहा है। और अभी ITC का स्टॉक है जो अभी 207, आई थिंक कुछ इसमें 5-6 रुपए का प्रॉफिट मुझे याद है दिख रहा था, फ्राइडे या थर्सडे के सदन में। ओके, तो नो प्रॉब्लम, अगर आपने बुक नहीं किया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, अभी इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। अभी भी हम लोग यहाँ पर 4,000 रुपीज तक के प्रॉफिट में है। जितना हम लोगों ने कैपिटल यहाँ पे लगाया हुआ है, जो कैपिटल डिप्लॉयड हमारा है वो 23,000 का है, और उसके एवरेज में मुझे 17% का रिटर्न अभी अभी मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप सफिशियंट प्रॉफिट, आपको लगता है प्रॉफिट सफिशियंट है, जिस ओके यू कैन बुक द प्रॉफिट, अदरवाइज यू कैन होल्ड। अभी जुलाई मंथ का ट्रेड है, काफी टाइम है, मे बी यहाँ से और मूवमेंट ITC में बढ़े, या अगर आपको लगता है आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका इसका। अभी हम लोग नया ट्रेड डिस्कस करने वाले यहाँ पे हैं। तो एक स्टॉक मेरी नजर में है, दैट इज HDFC। एक बार मार्केट देख लेते हैं, निफ्टी निफ्टी का चार्ट भी आप देखो तो कंटिन्यू यहाँ पे कोई मुझे वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है। एक दिन प्राइस जरूर यहाँ से ड्रॉप हुआ था, ठीक है, ये कैंडल है, उसके बाद से फिर से कंटिन्यू प्राइस ने करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मे बी कुछ ऐसा बैड न्यूज भी नहीं है मार्केट में, कुछ ऐसा नहीं कि जिससे मार्केट गिरे। ठीक है, तो मे बी कोई ऐसा बड़ा फॉल नहीं होने वाला मार्केट में, तो हम लोग यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक देखते हैं, HDFC। ठीक है, तो HDFC स्टॉक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे आप, ये कंटिन्यूस ये अपना लोअर हायर लो आपको ये फॉर्म कर रहा है। आप यहाँ पर लो, ये वाला लो देखेंगे, इसके ऊपर ये वाला लो बनाया, फिर ये लो बनाया, उसके बाद आपका ये वाला लो, फिर ये वाला लो, और स्टिल इस लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया हुआ है। ठीक है, इस लो को इसने अभी तक यहाँ पर ब्रेक नहीं किया हुआ है, दैट इज इंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस कंटिन्यू ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। आप यहाँ पर देखोगे ये जो आपका प्रीवियस हाई था उसके एक्चुअली वहां तक गया, बट उसको ब्रेक भी किया, बट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, इसके पहले भी अगर आप देखोगे, ये वाला जो प्रीवियस हाई था उसके पास गया, वहां पर रेजिस्टेंस लिया और प्राइस में ड्रॉप आ गया था। तो अगर मैं यहाँ पर काउंट करूंगा, तीन रेजिस्टेंस आपके यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तीन रेजिस्टेंस प्राइस के आसपास जाता है और वहां से ड्रॉप आया था, मतलब एक ही हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल, अगर मैं इसको देखूं तो ये 2635 रुपए का लेवल है, जिसके ऊपर प्राइस को जाने में थोड़ी सी मुश्किल हो। बट इसमें अच्छी बात क्या है कि प्राइस हमारा नीचे से ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए, तो मे बी ये आपका जो रेजिस्टेंस है वो 3 बार रेजिस्टेंस आपका ये हो गया है, तो मे बी इस बार ये ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, एज आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज अभी टाइम पे प्राइस, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस को यहाँ से, अगर आपकी बार यहाँ पे प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ से अगर इसको टच करता है तो मे बी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड में जाना चाहिए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग, आपके बाद ये वाला रेजिस्टेंस है, इसके बाद यहाँ या प्राइस हमारा यहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है, जो आपका ये मेजर रेजिस्टेंस आपका अवेलेबल है यहाँ पे, यहाँ तक भी आप प्राइस यहाँ तक अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे स्प्रेड बना देंगे, दैट इज बुल कॉल स्प्रेड। आप देखते हो ज्यादातर हमारा जो व्यू है वो हम लोग स्टॉक्स में बुलिश व्यू रखते हैं, जो भी स्टॉक है उन्हीं का ट्रेड में रिकमेंड करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक बुल कॉल स्प्रेड के बारे में यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है कि चार्ट को देख के मैंने ये देखा हुआ कि यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे मुझे एक अच्छा ट्रेड भी मिल रहा है, दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, 5-6 हजार रुपए का रिस्क, एवरीबडी एवरीबडी कैन टेक द रिस्क ऑफ 5-6,000 रुपीज, तो यहाँ पे अच्छा ट्रेड है। तो हम लोग यहाँ पे
इसको डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट ट्रेड आप अगर मेरे देखे होंगे तो एवरी ट्रेड में आपको प्रॉफिट बुक हुआ। मारुति का ट्रेड आप देखिएगा, आरआईटीसी का ट्रेड आप देखिएगा, ठीक है। और अगर मैं कैश ट्रेड की बात करूँ, दैट इज फाइजर, बहुत अच्छा ट्रेड, बहुत अच्छा मूवमेंट आया फाइजर में। और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो फाइजर स्टॉक है, अगर आप इसका वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पे मैंने जो रिकमेंडेशन दिया हुआ था, आप देखो 5200 रुपए का प्राइस था वहां पे, ठीक है। फाइजर 5200 रुपए का था प्राइस था, और जो हमारा टारगेट था वो अप्रोक्स टारगेट हमारा था 5600 रुपए का, ठीक है। हमारा अप्रोक्स 4 to 5% आपको फाइजर में भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिएगा, स्टॉप लॉस 4 करीब 5000 का स्टॉप लॉस था 200 पॉइंट नीचे, और जो टारगेट था वो 1:2 का था, और ये हमारा 5600 करीब 5650 का हाई यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक ठीक है, चलो अब इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमें करना का यहाँ पे है, तो यहाँ पर मैं नोट पैड ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले 2559 है, तो लोग ना मन तो एक बार देखते हैं कुछ। हालांकि मैंने ट्रेड जुलाई मंथ का निकाला है, बट मैं एक बार ट्राई करता हूँ यहाँ पे अप्रैल सॉरी जून मंथ के लिए। अगर कुछ अच्छा रहेगा तो हम लोग जून मंथ में ट्रेड कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे वो तो मेरे पास ट्रेड रेडीमेड पड़ा ही है। तो यहाँ पे एक बार ऑप्शन डालते हैं 24 जून का। अभी जो करंट मार्केट प्राइस हमारा है वो 2559 का है, तो हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे 2500, एक बार 2500 का ऑप्शन देखते हैं कितना 92 चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन करता हूँ 2650 का, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 2650 की पोजीशन, 2650 का कॉल, और यहाँ पर मैं एक सेल करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर तो कोई रिस्क वार्ड यहाँ पर फेवरेबल फेवरेबल मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, बिकॉज 20000 रुपए का रिस्क और 24000 का प्रॉफिट, दैट इज नॉट ओके, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ 2550 का डालूंगा मैं, 2550 का हम लोग एट द मनी ऑप्शन बाय करते हैं, और एक बार 2650 का सेल करते हैं। नो 26000 का इन्वेस्टमेंट, आपका 11000 का रिस्क और 18000 का प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा, तो नहीं, ठीक है। जो हमारा ट्रेड का है HDFC बुल कॉल स्प्रेड, तो मैंने क्या चूज किया यहाँ पर, HDFC कॉल 2600 जुलाई, FCMP इसको आपको बाय करना है, और HDFC कॉल 2750 जुलाई, CMP सेल करना है, ठीक है। अब इनका देख लेते हैं करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे क्या चल रहा है, तो यहीं पे डाल देते एक बार ओपरा निफ्टी HDFC, और एक बार मैं ट्राई करूंगा इसका देखने के लिए डेल्टा और थीटा की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे HDFC चूज किया हुआ है, और नेक्स्ट एक्सपायरी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कॉल ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पे 2600 का लिया हुआ है, और एक हमारा 2750 का है, ठीक है। इसको कर दूंगा +1, और इसको कर दूंगा -1, ओके। तो जो डेल्टा है वो 48 है और 33 है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो यहाँ पे मैंने HDFC फ्यूचर ऑप्शंस, और इसको मैं बाय करूंगा 2600, इसको मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। CMP क्या है हमारा 2086 और 87 जो भी है, और हमें जो सेल करना है वो हमारा है 2750 का, इसको हम लोग यहाँ पर सेलिंग कर देंगे। आई थिंक ये जून का आ गया क्या, तो रिसेट मुझे करना है जुलाई मंथ का लेके जाना है जुलाई का, और इसको मैं 2600 लेके जाऊंगा, ये मुझे बाय करना है, और 2750 का ऑप्शन मुझे जो है वो सेलिंग करना है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो इन्वेस्टमेंट है आपका 29000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो मार्जिन है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल 65, तो मैक्स रिस्क अगर मैं यहाँ पर नेट डेबिट की बात करूंगा तो आपका कितना आ रहा, अगर मैं 86 से 65, 86 माइनस 65 दैट इज 21, अगर मैं मैक्स लॉस देखूंगा तो आपका जो मैक्स लॉस है वो लॉस आपका है 6400 का,
6400 रुपये का आपका रिस्क है, और मैक्स प्रॉफिट की बात करूँ मैं, सॉरी मैक्स प्रॉफिट मैं यहीं से काउंट कर लेता हूँ, 38,000 रुपीज का अप्रॉक्स, 38,000 का। सो जो रिस्क रिवार्ड है, रिस्क रिवार्ड मुझे मिल रहा है अप्रॉक्स 1:6, राइट, इट इज ओके। एंड मार्जिन, मार्जिन जो आपको यहाँ पे देने वाले आप हो वो 29,000 का है। सो यहाँ पर जो रिस्क है बहुत कम है, 64,000 का रिस्क, 6400 का रिस्क है, सॉरी 64,000 सर टू मच अमाउंट, तो 6400 का यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क जो आपका है, और जो रिवॉर्ड है आपका वो 38,000 का रिवॉर्ड है, ठीक है। चलो, तो ये ट्रेड है, आप इसको कंटिन्यू जब भी आपको यहाँ पे वैल्यू, अगर अगर वैल्यू सेम रहती तो आप इसको कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने, ये तो ट्रेड है बहुत अच्छा, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और उसका मुझे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, बट यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे एक दिख रही थी, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है अभी, ओके। सो मे बी विद इन, मे बी मंडे को वॉल्यूम यहाँ आ जाए, बिकॉज एक्सपायरी आई थिंक जून का जो एक्सपायरी है वो बहुत नजदीक है, आज 12 तारीख है, 24 तारीख एक्सपायरी है, तो करीब पास बहुत कम दिन है, आई थिंक 10 दिन भी नहीं है, 10 दिन का टाइम है, ठीक है। तो 2 वीक हमारे पास बात है, तो मे बी आज यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, अगर मे बी कल वॉल्यूम यहाँ पे आता है, अगर मैं HDFC का जुलाई का देखता हूँ, और मैंने 2600 का ऑप्शन चूज किया हुआ था, दैट इज 86, यहाँ पर तो वॉल्यूम अवेलेबल है, बट मुझे जो जो मैंने चूज किया 2750 का, यहाँ पे अभी वॉल्यूम नहीं है, या वॉल्यूम है बहुत कम है, यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम आता है तो आप इस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, या आपको प्राइस मिलेगा देन, अदरवाइज अगर मैं 2700 का एक बार ट्राई करूंगा, थोड़ा सा इशू है वॉल्यूम का, अगर मैं यहाँ पे इसको 2700 कर देता हूँ, मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखते कितना आता है, 2700 के में वॉल्यूम अवेलेबल है, वहां पर मुझे सिर्फ 1:2 मिल रहा है, नो एटलीस्ट मुझे बुल कॉल इस पर 1:3 और 1:2, अगर आप कंफर्टेबल हैं 1:2 के लिए दैट इज ओके, बट अगर आप 1:6 चाहते हैं या प्रॉफिट आपको आपको जो लॉस है वो मिनिमाइज करना है, तो आपको उसी ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, दैट इज द 2750, ओके। सो दिस इज द बेस्ट, क्लियर। तो ये हमारा HDFC का बुल कॉल स्प्रेड का ट्रेड है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो वॉल्यूम में भी ट्यूजडे या मंडे ट्यूजडे में वॉल्यूम आ जाए, अभी आपको प्राइस में मिल जाए, आप उसको कंटिन्यू करके रखिएगा, आपने ऑर्डर डाल के रखिएगा, अगर मिल जाता तो अच्छा है, ठीक है। चलो, इसके बाद एक ट्रेड और मैंने कंटिन्यू किया, एक ट्रेड और मैंने देखा हुआ है, दैट इज द पेज इंडस्ट्री, एक स्टॉक और मेरी नजर में है, दैट इज पेज इंडस्ट्री, इसको हम लोग जून मंथ में ही प्ले आउट कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्कस, आप अगर देखोगे तो ये सपोर्ट लेके वापस वहां से आया हुआ है, ठीक है, ये इसका अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, और आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस यहाँ से ऊपर जो रेजिस्टेंस आपका है, ये भी एक बार, ये भी यहाँ पर रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो आपका ये सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो मे बी प्राइस यहाँ तक आए या इसके प्राइस के बाउंस हुए, बट यहाँ पे रिस्क मुझे अच्छा दिख रहा है, सो दैट इज द रीजन मैंने एक ट्रेड यहाँ पर पेज इंडस्ट्री में भी बनाया हुआ है। तो अगर मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे लिख देता हूँ पेज इंडस्ट्री बुल कॉल स्प्रेड, ओके, मैं इसको एक बार, ठीक है, आप दोनों में से कोई एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, पेज इंडस्ट्री कॉल 31,000 एट CMP और पेज इंडस्ट्री कॉल 3200 एट CMT सेल। अब इसमें देखते हैं एक बार कैसा प्राइस हमारा यहाँ पे आता है, तो इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरे देखते हैं दैट इज पेज इंडस्ट्री, तो पेज इंडस्ट्री ऑप्शन 31,000 का है और 572 एंड 32,000 का है, इसको मुझे सेल करना है, सो दैट इज ये आपका है 572 और आपका ये है 353, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम रिस्क, अगर मैं इसको मैक्सिमम डेबिट की बात करूं यहाँ पर, मैक्स डेबिट आपका 572 एंड 357,
572 माइनस 350, 3 दैट इज 219, 219. सो सेम लॉस का जो फिगर है वो भी सेम है 6500 का, 6500. और अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूँ यहाँ पे, तो रिवॉर्ड मेरा थोड़ा सा उसके इन कंपेरिजन में कम है, बिकॉज एक्सपायरी बहुत नजदीक है. सो आई थिंक वी आर गेटिंग ओनली 1:4, ठीक है. और जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड आपको है वो 31,000 का है, बिकॉज प्रीमियम थोड़े से ज्यादा है, ठीक है. सो ये ट्रेड है पेज इंडस्ट्री. अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको जूम कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे 353 आपका जो सेल, जो मैंने जो हम लोगों ने सेल किया, दैट इज सेल प्राइस. और आपका ये जो मैक्सिमम लॉस है 6500 का, और प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज है 23, बिकॉज बहुत वोलेटाइल स्टॉक है. अगर ये चलेगा जैसे कि ये चलता है, अगर उस हिसाब से चलेगा तो बहुत अच्छा मोमेंट यहाँ पे आने वाला है. आप लास्ट टाइम देख सकते हो बहुत अच्छे से प्राइस ऊपर गया हुआ था, करेक्शन जस्ट मे बी यहाँ से बाउंस आना चाहिए. अब बाकी देखते हैं, कुछ मुझे यहाँ पर प्राइस में ऐसा कुछ दिखा है जैसे प्राइस एक्शन, मैं यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कम फ्रॉम ओनली योर एक्सपीरियंस. तो देखते हैं अगर ये ट्रेड अच्छा, बिकॉज पेज इंडस्ट्री में वॉल्यूम कम रहता है, बट अगर यहाँ से चलेगा तो प्राइस बहुत अच्छे से यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपको अच्छा लगा है ट्रेड, आपको अगर ऐसा पसंद आ रहा है, आप ट्रेड यहाँ पर कर रहे हो, आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, दैट इज ओके, बहुत अच्छा है. आप कमेंट में मुझे बताइएगा, दैट इज आपने प्रॉफिट बुक किया कौन से रेट में या कौन सा रेट आपका है. और बहुत लोग मुझे बोले कि अपडेट आप कैसे करते हो, अपडेट अपडेटिंग के लिए. तो अगर आपको अपडेट चाहिए तो मैं यूट्यूब की जो वीडियो वहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ. इवन फिर भी आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप पे एक बार पूछ सकते हो, कमेंट करके व्हाट्सअप पे ड्रॉप करके मैसेज मुझे पूछ सकते हो, जैसे मेरा ट्रेड है और मुझे इतना प्रॉफिट है, लॉस भी हो रहा, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, वो पोजिशन को मैं आपको यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है. और यहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे चले जाओगे तो वहाँ पे भी मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है. तो ये है आपका दो ट्रेड, दैट इज पेज इंडस्ट्री एंड SGST, ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियो में.